हेलो दोस्तों, स्वागत है भगत कम्युनिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची यूजी एडमिशन 2023 प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप यूजी एडमिशन 2023 का फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, नहीं तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है jharkhanduniversity.nic.in, आप लोगों को इस वेबसाइट में आ जाने होंगे। अगर इसमें आने में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो गूगल में आप सिर्फ चांसलर पोर्टल भी लिख देते हैं या फिर झारखंड यूनिवर्सिटी भी आप सर्च करते हैं तो जो पहला लिंक आएगा वो इसी वेबसाइट का आएगा। दोस्तों तो आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके आप लोग अगर इससे पहले रजिस्ट्रेशन किए थे या फिर इससे पहले आप अगर फॉर्म फिलअप किए थे तो आप इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करके कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भर के दिखाने वाला हूं, इसीलिए मैं डो नॉट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम मांगा जा रहा है, वो भी दोस्तों आप लोगों का 10th सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही आपका नाम होना चाहिए, अदरवाइज इसमें बाद में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद आपका जो इसमें ईमेल आईडी है, आपको एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी और यहाँ पे आपका यूजर नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा जिसमें आपको कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और साथ ही आप लोगों का न्यूमेरिकल भी यूज होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा आप किस प्रकार से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और यूजर नेम भी आप लोग कैसे रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ इसमें आप लोगों को क्या करना होगा ना, आप लोगों को इसमें अपना नाम फिल करना होगा, वो भी 10th सर्टिफिकेट या फिर 12th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद आपको यूजर नेम आपको एक रखना होगा दोस्तों, जो कि आपको कैपिटल लेटर में रखने होंगे और आपको 1 से लेकर 9 का जो नंबर है दोस्तों आपको यूज करना होगा। जैसे दोस्तों आपका नाम मान लीजिए मोहन है तो मोहन आप सब कैपिटल स्मॉल लेटर में मोहन लिख दीजिए, उसके बाद आपका जो पिन कोड है आप वो रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा यूजर नेम बन के तैयार हो चुका है, तो आप लोग ऐसे अपने यूजर नेम रख सकते हैं। आपका जो भी नाम है, लास्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम, आप लिख लीजिए स्मॉल लेटर में, उसके बाद आपका जो पिन कोड है या फिर कोई सा भी नंबर आप 6 डिजिट का 4 डिजिट का आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल कीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देखिए दोस्तों, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं आपको गूगल में दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो कैपिटल M लिखेंगे, इसके बाद आपको ईमेल में O लिखना होगा, HAN आपको पहला जो लेटर होगा उसको आपको कैपिटल में लिखना होगा, उसके बाद जितना भी आएगा स्मॉल में लिखिएगा, उसके बाद @, उसके बाद कुछ नंबर आप यूज कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपका जो इसमें पासवर्ड है आपका कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और साथ ही आपका नंबर भी यूज होना चाहिए। तो हम लोग ये पासवर्ड आप लोग रख लेते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो कैप्चा आप लोगों को दिख रहे हैं दोस्तों, इसको आप लोग एज इट इज आप लोग इसमें फिल करके साइनअप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को OTP, आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने क्रिएट किया है, यानी आप जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर किए थे उसमें OTP चल गया होगा दोस्तों। अगर सर्वर इशू की वजह से OTP नहीं जाता है तो यही OTP है दोस्तों, इसको आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिए, उसके बाद वेरीफाई OTP क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो सक्सेसफुल हो चुका है, वो भी आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो आप यूजर नेम और पासवर्ड रखे थे दोस्तों उससे आप लोग इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग लॉगिन कर चुके हैं। अभी लॉगिन करने के बाद आपको कोर्स इसमें चयन करना होगा, आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ईयर पे आप 2023 रखेंगे, उसके बाद सेट सेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फिल एडमिशन फॉर्म में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ये जो डिक्लेरेशन है दोस्तों इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर से आपको अंडर ग्रेजुएट यूजी बैचलर ऑफ डिग्री इसमें आप लोगों को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को आना होगा, ये जितने भी आपको डिटेल्स दिख रहे हैं सब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भरने होंगे। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट नेम यानी आपका जो नाम है दोस्तों इसमें आप लोगों को कैपिटल लेटर में आपको इसमें लिखना होगा। इसके बाद आपका जो नाम है इसको आपको हिंदी में लिखना होगा। अभी प्रॉब्लम अभी आप लोगों को ये होगा दोस्तों कि आप लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। आप गूगल में लिखिएगा इंग्लिश टू हिंदी, जैसे लिखिएगा दोस्तों ये जो पहला लिंक आएगा इसमें आप लोग कुछ भी जैसे मोहन कुमार लिख देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जैसे आप लोग इसमें इंग्लिश में लिखिए तो देखिए हिंदी में आ गया, तो आप इसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप लोग इजीली अपना जो भी नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, आप उसको इजीली नाम को चेंज कर सकते हैं, यानी हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना होगा, उसके बाद पिताजी का हिंदी में आप लोगों को नाम लिखना होगा, इसके बाद माताजी का नाम लिखना होगा और माताजी का नाम आपको इसमें हिंदी में भी लिखना होगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आप चूज कर लेंगे, पहले आपको ईयर चूज करना होगा, उसके बाद मंथ चूज करना होगा, उसके बाद आपको दिन चूज करना होगा, यानी डेट आपको यहाँ पे चूज करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जेंडर, आप फील है सॉरी आप मेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो आप इसमें फील करेंगे। इसके बाद आपका
जो ब्लड ग्रुप है आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, यानी आप इसमें सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड है मैरिड है तो आप इसमें सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद रिलीजियंस, रिलीजियंस आपके अकॉर्डिंग आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप इसमें सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आईडी कार्ड, देखिए दोस्तों आईडी कार्ड में आपको क्या चूज करना होगा, इसमें अदर चूज करना होगा। अदर चूज करने के बाद इसमें आप लोगों का आधार कार्ड लिखना होगा, AAHD आधार कार्ड आपको ये लिखना होगा। इसके बाद आपका आधार नंबर इसमें फिल करना होगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देने होंगे आप, इसमें आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है यानी जो दिखता हो। उसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन, उसके बाद NRI इसमें नो होगा दोस्तों। इसके बाद अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अदर स्टेट से हैं तो इसमें नो करिएगा। इसके बाद BC1 BC2 आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इस पर आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप जो BPL कार्डधारी है कि नहीं ये आप लोगों को देना होगा तो इसमें नो कीजिएगा, यस करने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगर आप लोग विकलांग है, विकलांग है तो आपका जो कैटेगरी है दोस्तों इसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद कश्मीर माइग्रेट, इसमें आप लोगों को नो करना होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोगों को NCC है कि नहीं वो बताना होगा। अगर NCC आप किए हैं तो C की है कि B की है, ENS आपको जो जितने भी सर्टिफिकेट आप लोगों को दिख रहे होंगे आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद NSS वॉलंटियर, अगर आपको कॉलेज में NSS वॉलंटियर है तो यस कीजिए, इसमें कैटेगरी दिया गया है आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी, अगर आपको कुछ स्पोर्ट वगैरह है तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख के अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आर यू डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन, इसमें यस कीजिए या फिर नो कीजिए आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए। उसके बाद रेंज एंड रोवर में नो कीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इसके बाद दोस्तों इसमें आप लोगों को नो करना होगा। इसमें बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो इसमें अगर आप लोग है तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का आ जाता है परमानेंट एड्रेस सेक्शन। इसमें आप लोगों को एड्रेस वगैरह भरने होते हैं, पहले आपको विलेज भरने होंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस भरने होंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन भरने होंगे। सिटी में देखिए दोस्तों आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है आप इसमें फिल करेंगे। स्टेट आपका झारखंड ही होगा, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग पिन कोड सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए दोस्तों अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका डिफरेंट है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है दोस्तों फोटो सिग्नेचर के बारे। देखिए दोस्तों फोटो आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए, वही सिग्नेचर भी आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग फोटो सिग्नेचर को किस प्रकार 100 KB के अंदर करेंगे मैं इस वीडियो में उसका भी ऑप्शन बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों आप लोगों को गूगल में लिख लेने होंगे इमेज रिसाइजर अंडर 100 KB। आप लोग ये जो सेकंड वाला आप लोगों को जो लिंक दिख रहा है इसमें आप लोग क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों आप लोग क्लिक करने के बाद ये जो सिलेक्ट फाइल है आप लोग जो भी जितना भी साइज है MB का हो या फिर ज्यादा KB का आप लोगों का फोटो सिग्नेचर है आप लोग इसमें सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को फोटो चूज करना होगा। चूज करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद सिग्नेचर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस से आप लोग इसमें फिल कर पाएंगे। उसके बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने होंगे, यानी आप 12th में जो है वोकेशनल पॉलिटेक्निक के है या फिर आप लोग 10+2 है। तो मैं यहाँ पर 10+2 सिस्टम से हूँ इसलिए मैं इसमें 10+2 सिस्टम डालता हूँ। इसके बाद आप जो 12th पास किया है आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं या फिर साइंस से किए हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका जो मीडियम, यानी आप जो 12th क्लास में जो थे आपका जो भी एग्जाम होते थे किस मीडियम से हुए होंगे, इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से, बंगाली मीडियम से, आप उसमें सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, यानी आप कौन से ईयर में आपका 12th पास किए हैं। इसके बाद रेगुलर है या फिर एक्स रेगुलर, यानी दोस्तों आप लोग अगर 2 साल में पास किए तो रेगुलर होगा, अगर आप लोगों का बैक लगा था तो इसमें एक्स रेगुलर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिवीजन, अगर आप डिस्टिंक्शन से है यानी 75 से 100% के अंदर है तो इसमें आप लोग पहला वाला क्लिक कीजिएगा। इसमें देखा गया है दोस्तों जो फर्स्ट डिवीजन अगर करते हैं तो आपका परसेंटेज 60 से लेकर 74 तक होना चाहिए, सेकंड डिवीजन करते हैं तो आप लोगों को 45 से लेकर 59 तक होना चाहिए, वही थर्ड में है तो बिलो 45 इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज मांगे जा रहे हैं, यानी दोस्तों आप लोगों का जो 12th क्लास है आपको कितने परसेंटेज है इसमें आप लोगों को सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद आपका जो भी बोर्ड है, यानी आप लोग 12th पास में कुछ बोर्ड है ना वो वाला बोर्ड आपको यहाँ पे चूज करना होगा। इसके बाद आपका कॉलेज स्कूल, अगर आप कॉलेज में कौन सा कॉलेज में आप लोग 12th दिया है तो उसका नाम भर दीजिएगा, अगर आपका कॉलेज नहीं है तो स्कूल है तो स्कूल का नाम भर दीजिएगा। इसके बाद आपको स्टेट, यानी आप जो 12th पास किए हैं वो कौन सा स्टेट से पास किए आप लोगों को इसमें सिलेक्ट करना होगा, और जो भी स्टेट से पास किए उसका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अभी दोस्तों आप आ जाता है अभी जो भी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री सेक्शन। इसमें आप लोगों को क्या है 12th में जितने भी दोस्तों आप लोगों को सब्जेक्ट है आप लोगों को सिलेक्ट करके एक एक सब्जेक्ट भर के आप लोगों को इसमें आपका जो मार्क्स है यानी आउट ऑफ 100 आप कितना लाए थे आपको इसमें देने होंगे। जैसे पहले हिंदी दे दिए, उसके बाद इंग्लिश दे दिए, इकोनॉमिक्स दे दिए, इंथ्रो दे दिए या फिर पॉलिटिकल साइंस, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है आप अगर साइंस से करते हैं तो साइंस का भी सब्जेक्ट इसमें आप चूज करते हैं कर सकते हैं दोस्तों। सब सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है लिस्ट में। इसके बाद दोस्तों ये होने के बाद अगर आपका 5 से ज्यादा सब्जेक्ट है तो इसमें एड मोर पे क्लिक करेंगे, और अगर आपका नहीं है तो आप लोग इसमें एड मत कीजिए। अगर आपका 4 सब्जेक्ट है तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग अभी बात कर लेते हैं CUET, अगर आप लोग CUET स्कोर अगर आप लोगों का रिजल्ट तो अभी नहीं आया है तो अगर आप लोग पास ये मतलब इसमें यस करेंगे तो आपको इसमें डिटेल्स सब आपको यहाँ पे डालने होंगे, अगर इसमें नो करते हैं तो आपको इसमें डिटेल्स नहीं डालने होंगे। अगर यस करने होते हैं तो इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करने होंगे, इसमें आप लोगों का जो भी इंटर मार्क्स है और एग्रीगेट मार्क्स है आप लोगों को इसमें फिल करने होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बिना CUET का भरने का कोशिश करूँगा, नो करूँगा, उसके बाद सेम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करूँगा।
सबसे पहले आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी है यानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची आप लोगों को इसमें सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो कॉलेज है उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका ऑनर्स जनरल वोकेशनल रेगुलर आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं इस पर आप लोग सिलेक्ट करेगा। देखिए दोस्तों ऑनर्स और जनरल का जो भी सब्जेक्ट है अभी वो मैपिंग नहीं हुआ है, इसीलिए 2-3 घंटा या फिर नेक्स्ट डे तक ये मैपिंग हो जाएगा। मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है आप लोग इसमें सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें आप जो भी सिलेक्ट किए होंगे दोस्तों ये सारा कुछ ऑप्शन आप लोगों को दिखेंगे। आपको कोई सा भी एक सिलेक्ट करना होगा आपके अकॉर्डिंग, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो। उसके बाद आप लोग इसमें ऐड डिसिप्लिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 7 वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। 7 वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग का जितने भी डिटेल्स हमने अभी तक भरे हैं सब कुछ आ जाएंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पे टिक मारने होंगे दोस्तों हम लोग को टिक यहाँ पे लगाने होंगे। इसके बाद कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, यही फाइनल सबमिट होता है दोस्तों। अभी आप लोगों को पेमेंट नाउ पे यानी पेमेंट आप लोगों को करने होते हैं, इसलिए पे नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को कितना चार्ज काटे जा रहे हैं आप लोगों का, इसमें प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें UPI वगैरह का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पे आपका ATM कार्ड नंबर डालने होंगे, इसके बाद एक्सपायरी डेट, इसके बाद आपका CVV, इसके बाद आपका जो भी जिस भी कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं जो भी नाम कार्ड में लिखा हुआ है उसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका OTP आएगा, OTP आने के बाद आपका जो फाइनल सबमिट है वो दोस्तों हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों को, जरूर शेयर करेगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।